अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मेरठ के हालात किसी से छिपे नहीं है। संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। यह बात कोरोना काल में सामान्य हो सकती है, लेकिन मरने वालों की संख्या में एकदम से तेजी से बढ़ोतरी होना बेहद चिंतनीय है। कोरोना से कैसे निपटा जाए? क्या सरकारी व्यवस्था पर ही निर्भर रहा जाए? क्या लॉकडाउन बढ़ाना अथवा कर्फ्यू लगाना, ऐसे में तमाम विकल्प हो सकते हैं आदि तमाम बिंदुओं पर आज फर्स्ट बाइट टीवी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाने माने विख्यात सर्जन वे KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट के संचालक डॉक्टर सुनील गुप्ता से बात की। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, सर्जन एवं संचालक KMC चिकित्सा संस्थान मेरठ, KMC कैंसर संस्थान एवं KMC कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज। आप सबके समक्ष 10 मई दिन रविवार 163 वर्ष पूर्व यही दिन यही तारीख मेरठ स्वाधीनता संग्राम का उद्गम स्थल आज के दिन यहीं से उद्गम हुआ था स्वाधीनता संग्राम का हमारे देश के इतिहास में। इस महत्वपूर्ण दिन मैं आप सभी के समक्ष वर्तमान में कोरोना ट्रेजेडी से संबंधित कुछ तथ्यों को साझा करूंगा। पिछले 1.5 महीने में हम लोगों के भरसक प्रयास, प्रशासनिक प्रयास, चिकित्सीय प्रशासन के प्रयास, इन सभी के बावजूद मेरा अपना ऐसा विश्लेषण है कि हम लोगों में फिजिकल डिस्टेंसिंग शायद कम रही और सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा रही, जिसके फलस्वरूप पिछले 10-12 दिन में अचानक एक भारी संख्या में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ती चली गई। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शायद सारा वर्णन मेडिकल कॉलेज मेरठ पर रहा और इस वजह से भी शायद उतना एफिशिएंट हम नहीं हो पाए जैसे हम एक कंबाइंड एफर्ट से हो सकते थे। हमें और अन्य सभी हॉस्पिटल्स को जो मेरठ में इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट दे रहे हैं, सभी को इस चीज़ का परमिट करना चाहिए था कि सभी लोग अपने यहाँ इन लोगों के अलग अलग वार्ड बना के इलाज करते। सोशल फियर बहुत ज़्यादा रहा, स्टाफ को डर बहुत रहा, समाज में क्वारंटाइन जब लोगों को किया गया तो ऐसे लगता था जैसे कोई क्राइम करके इन लोगों को गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा हो। मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी हम लॉकडाउन या कर्फ्यू से शायद इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अब हमको इसको एक कम्युनिटी स्प्रेड की तरह लेना पड़ेगा और अब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो भी गया है, अब हमें संख्या गिनने से कोई फायदा नहीं है। अब हम लोग लॉकडाउन और कर्फ्यू को ना रख के एक नॉर्मलसी की तरफ सोसाइटी को लाने की कोशिश करें, स्ट्रिक्ट सर्विलेंस रखें, रेगुलेटेड विजिलेंस रखें, डीप रूटेड कंट्रोल उन सब रोगियों का रखें जिनको छाती के लक्षण या जो इस वायरस के संक्रमण के प्रारंभिक लक्षण हैं उन सबको हम और अन्य हॉस्पिटल्स में भी अलाउ करें। ये डर समाज से हमको ख़त्म करना पड़ेगा और उन सब में आइसोलेशन वार्ड बना के बजाय इसके कि हम एक कोविड अस्पताल बनाएं, हम सभी अस्पतालों में कोविड वार्ड बनाएं ताकि समाज से भ्रम, समाज से डर खत्म हो जाए कि पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। जब सभी हॉस्पिटल्स में जो लोग इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट की सुविधाएं हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट्स की सुविधाएं हैं, क्रिटिकल केयर की सुविधाएं हैं, उन सभी हॉस्पिटल्स में अब हम इन पेशेंट का इलाज होने दें। पिछले 1.5 महीने में सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि कोरोना के अलावा बाकी सभी अन्य बीमारियां जैसे हमारे क्रोनिक हार्ट के पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, सेरेब्रल इन्फार्क्ट के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, क्रोनिक डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं,
इन सब पेशेंट्स को बहुत अनदेखा हुआ, इन सब पेशेंट्स को हॉस्पिटल ने डर की वजह से नहीं लिया, क्योंकि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें काफ़ी धन का खर्चा अस्पताल को एस्टेब्लिश करने के लिए होता है, जिसमें बैंक की ईएमआई भी जाती है, मेंटेनेंस भी जाती है। वो सब हॉस्पिटल्स एक बड़े डरावने वातावरण में धीरे धीरे अधिकतर बंद होते चले गए, बजाय इसके कि हम उनको सबको क्वारंटाइन करें, सबको पकड़ के ले जाएं, हमको सेल्फ क्वारंटाइन की सोशल काउंसलिंग करनी चाहिए, और जो लोग उनको हमें सोशल एक काउंसलिंग करते हुए उन सबको ये बताएं कि आप अपने को थोड़ा दूर रखें और वहीं पे वो और लोग काम करें, बजाय इसके कि उनको हम एक डर वाला वातावरण वहाँ पे पैदा करें। अब ये कम्युनिटी स्प्रेड है, अब इसको संख्या हमें नहीं गिननी चाहिए, और अब हमको इसको जैसे और हमारे फ्लू हैं, जैसे स्वाइन फ्लू है या और अदर वायरल इन्फेक्शन हमारे थे, उसी की तरह से अब हमें इसका इलाज करना चाहिए। जहाँ तक कर्फ्यू का है या फिर हम लॉकडाउन बढ़ाना अगर चाहने का हमारा कोई विचार प्रशासनिक या शासनिक स्तर पर बनता है, इससे बहुत बड़ा एक डिप्रेसिव फेज सोसाइटी में आएगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, बाय माइंड हम लोगों को वीक हो जाएंगे, क्योंकि हेल्थ के लिए हेल्थ ऑफ माइंड एंड हेल्थ ऑफ बॉडी दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। माइंड अगर हमारा इतना डिप्रेशन में चला जाएगा तो ये एक विशेष सर्किल सेट हो जाएगा, उससे हम ना बीमारी को कवर कर पाएंगे ना सोसाइटी के एक सामान्य दशा में समाज को हम ला पाएंगे। एक सुझाव इस जंक्चर पर और है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन अभी अगले 3-4 महीने या बल्कि 6 महीने से ज़्यादा भी समय लग सकता है समाज के बीच उपस्थित रहेगा, तो शायद हमको अपने चिकित्सा तंत्र में एक नए बदलाव की आवश्यकता है कि हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे मेरठ जनपद के लिए आउटस्कर्ट पे करीब 300-400 बेड का एक हॉस्पिटल डेवलप करें, जिसमें प्योरली इसी तरह के पेशेंट्स का इंटेंसिव केयर मैनेजमेंट हो और उसमें जवाबदेही हो उन सभी लोगों की जिनको उसकी जिम्मेदारी दी जाए, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का शायद एक अच्छा शुरुआत हम लोग मेरठ में कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।